एफएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा ऑडियो बहुत ध्यान से सुनिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, अभी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो संसद द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए ये हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, अभी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में उषा नटेशन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बीट है, 26/11 हमले में जो तुकाराम ओमले शहीद हुए थे, जिन्होंने अजमल कसाब को गिरफ्तार किया था, उनके नाम पर अब एक मकड़ी का नाम आईसीएस तुकाराम ही रखा गया है। नेक्स्ट बीट है, अभी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं साजन प्रकाश। ये पहले तैराक हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और इनके बाद वीर धवल खाड़े ने भी क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट बीट है, अभी जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है पी साईनाथ ने। नेक्स्ट बीट है, अभी वर्ल्ड बैंक ने केरल को प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मदद के लिए $125 मिलियन दिए हैं। नेक्स्ट बीट है, अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में अपनी पुस्तैनिक गांव में पहुंचे, और उस पुस्तैनिक गांव का नाम क्या है? परोंख। नेक्स्ट बीट है, अभी IFUNA के नए चेयरमैन बने हैं शंभुनाथ। IFUNA यानी कि इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। नेक्स्ट बीट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम शुरू किया है, ये महिला उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए है। मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, और इन्होंने ही हौसला कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट बीट है, अभी डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं अंशुला राव। नेक्स्ट बीट है, अभी T20 विश्व कप का आयोजन UAE में किया जाएगा। पहले ये 2021 में इंडिया में होना था, लेकिन अब ये UAE में होगा। नेक्स्ट बीट है, अभी स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड जीता है इमैनुअल कैरेरे ने, ये फ्रांस के एक राइटर हैं। अच्छा, अभी ये अवार्ड स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर ये अमृत सेन ने 2 महीने पहले जीता था। नेक्स्ट बीट है, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं NB रमना, इन्होंने एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट बीट है, अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना है चीन में। नेक्स्ट बीट है, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने झारखंड के बोकारो में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको